नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों ठगी का मामला आए दिन सुनने को मिलता ही रहता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन ठगी करने वाले बाज नहीं आते हैं। एक ऐसी ही ठगी का किस्सा सामने आया है। ये मामला कानपुर जिले का है, जहां ठगी करने वाले लोग पीएम आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करते दिखे थे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी के कानपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाने के नाम ठगी का मामला सामने आया है। कानपुर पुलिस और एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग के सदस्य प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर गरीब और भोले भाले लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस ने इसके पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इस गैंग के कई अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस ने टीम का गठन किया है। यूपी एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर ठगी की जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर इस गैंग के सदस्य ठगी कर पार्टी और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। एसटीएफ ने कानपुर पुलिस के साथ मिलकर इस गैंग का पर्दाफाश करने की योजना बनाई थी। कानपुर पुलिस और एसटीएफ लखनऊ ने मिलकर जाल बिछाया था। पुलिस ने चार ठगों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने जब इस प्रकरण की जांच की तो पता चला कि कुछ लोग एक संगठित गिरोह बनाकर अलग अलग मोबाइल नंबरों से आम लोगों को फोन करते थे। गिरोह के सदस्य फोन पे कहते थे कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा है। इसके बाद उसके पारिवारिक सदस्यों का विवरण बताकर लोगों को भरोसे में लेते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर उनसे 2 से 4 हजार रुपए की ठगी करते थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखा आपने किस तरह से आरोपी प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए का ठगी करता पकड़ा गया। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के कई आरोपी अभी भी फरार हैं। फिलहाल कानपुर पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं, कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।